आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेटो फेरेट। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए फेरिक क्लोराइड, ऑक्सैलिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीन चीज़ें चाहिए बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड एंड ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 25 ml डिस्टिल वाटर हमें लेना है। आई एम गोइंग टू टेक इट। वी हैव टू टेक 25 ml डिस्टिल वाटर। दिस इज 25 ml डिस्टिल वाटर। ओके, नाउ वी विल ट्रांसफर दिस वाटर इन टू द बीकर। 25 ml हमने डिस्टिल वाटर लिया, इसको हम रखेंगे साइड में। नाउ वी विल टेक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन एंड वी विल टेक टू द जीरो सो दैट वी कैन गेट द एक्यूरेट रीडिंग। नाउ हमें जो लेना है वो सबसे पहले हम मेजर करेंगे ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर, दिस इज व्हाट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को जो हम मेजरमेंट लेंगे या ऑक्सैलिक एसिड की जो मेजरमेंट होगी, इट विल बी 6 ग्राम, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। वी हैड मेजर्ड 6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड एंड नाउ आई विल ट्रांसफर दिस ऑक्सैलिक एसिड इनटू बीकर। आई एम गोइंग टू स्टर इट। यू कैन स्टर इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास होल। सेकेंड इज वी हैव टू टेक 7.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वी विल टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट जो हमने ऐड किया था दैट वॉज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, हाउ मच ऑक्सैलिक एसिड वी हैव टेकन? वी हैव टेकन 6 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। नाउ आई एम गोइंग टू मेजर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई हैव टू टेक 7.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वी हैड मेजर्ड 7.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन टू आर बीकर। नेक्स्ट इज आई हैव टू मेजर 5 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड। दिस इज वॉट फेरिक क्लोराइड एंड आई हैव मेजर 5 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड। नाउ आई विल ट्रांसफर दिस फेरिक क्लोराइड इन टू द बीकर। We have to add it slowly and gradually. हम इसको धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे। This reaction is really exothermic in nature. You can see the steams going upside. This is highly exothermic and the beaker is also hot. अभी आप लोग यहाँ पे हैं नहीं, अदरवाइज आप लोग इसको टच करके भी देख सकते हैं, इट इज हॉट ड्यू टू इट्स एक्सोथर्मिक नेचर। नाउ आई एम गोइंग टू फिल्टर इट। आई एम गोइंग टू फिल्टर द सोल्यूशन विच वी हैड मेड इन बाय एडिंग। क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की थी, फेरिक क्लोराइड, ऑक्सैलिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से जब हम इसको फिल्टर करेंगे, आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें हमने डायरेक्ट हीट किया था, बट इस केस में हम इसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। वी विल हीट इट विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ। वाटर बाथ में हीट करने का क्या इफेक्ट होगा कि उसको डायरेक्ट हीट नहीं मिल पाएगी। हम एक किसी भी बर्तन में, वैसे तो प्रॉपर एक वाटर बाथ होता है जो लैब में अवेलेबल नहीं है, तो हम किसी भी एक बाउल में या किसी भी एक कोई बड़ा बीकर भी ले सकते हैं, हम उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे और उसके बाद हम जो ये फिल्ट्रेट है इसको पुट करेंगे और फिर उसको बॉयल करेंगे ताकि डायरेक्ट हीट इसको ना मिले ड्यू टू इट्स एक्सोथर्मिक नेचर। दिस इज व्हाट फिल्ट्रेट, जो हमारा फिल्टर होके आ रहा है हम इसी को यूज़ करेंगे जो चाइना डिश में है। जो फिल्टर पेपर पे रेजिड्यू होगा हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, वी विल थ्रो इट, हम इसको फेंक देंगे। हमें जो चाहिए वो क्या है, फिल्ट्रेट। वी आर हीटिंग द सोल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड एंड ऑक्सैलिक एसिड डिजोल्ड इन 25 ml ऑफ वाटर।
आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी डोंट हैव वाटर बाथ, हमारे पास वाटर बाथ नहीं है, सो मैं इसको डायरेक्टली हीट कर रही हूँ। और जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा इसमें से वाटर की इवेपोरेशन हो जाएगी और यहाँ पर हमें सॉलिड क्रिस्टल्स मिलेंगे। जो हम सॉलिड क्रिस्टल्स यहाँ से लेंगे उनको हम इथाइल अल्कोहल दैट इज इथेनॉल में वॉश करेंगे एंड आफ्टर ड्राइंग द क्रिस्टल्स वी विल वेट दैम, और जो उनका वेट होगा वही हम कहाँ लिखेंगे अपने रिजल्ट में।